ओम नमः शिवाय। कई बार मेरे से प्रश्न किए जाते हैं कि गुरुवर समाधि के बारे में कुछ बताइए, समाधि क्या होती है, कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि समाधि असल में होती क्या है और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, समाधि कौन कर सकता है, किसको नहीं करनी चाहिए और किस उम्र में आप समाधि कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहूंगा इसके गुणों पर, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है समाधि से। अगर आप समाधि करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा और किसी भी काम को करने में आप तत्पर रहेंगे। समाधि अपने मन को नियंत्रण में करने का एक जरिया है। समाधि से हम सब कुछ भूलकर एक बिंदु पर अपना ध्यान लगाते हैं, इसके बाद पूरा संसार शून्य हो जाता है और आप समाधि में चले जाते हैं। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि समाधि जो है वो साधु लोग ही करते हैं या फिर समाधि जो है योग का अंत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समाधि में हम अपने मन को नियंत्रण में लेकर आते हैं और जब भी आपका मन भटके कहीं और जाए तो उसको बार बार एक जगह पर लेकर आना होता है। आपको समाधि में सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं तो आपको अपना जो ध्यान है वो अपनी श्वास पर केंद्रित करना होता है कि आप कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, बस इस पर आपको अपना ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे आपका मन भटकेगा आपको वापस उसको अपने पास लेकर आना है, क्योंकि मन चंचल होता है, वो कहीं पर भी भटकेगा, लेकिन आपको समाधि में उस मन को एक जगह पर लेकर आना है। तो ये होती है समाधि, इस तरह से समाधि की जाती है। भारत में आदिकाल से ही बहुत से महापुरुष समाधि में लीन हो गए, अर्थात दुनिया को भूलकर एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही समाधि है। सब कुछ शून्य कर दीजिए और एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, चाहे वो आपकी श्वास हो या कोई और चीज हो जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके, लेकिन अपना ध्यान आपको एक जगह पर केंद्रित करना है, यही है समाधि। इसे आप परमेश्वर पे भी लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसा मंत्र लीजिए जिसका आप जाप करते रहें और आपका ध्यान पूरा उसी में हो। एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने को ही समाधि कहते हैं। अब ऐसे महापुरुष हुए हैं जो समाधि में चले गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो समझ होगी इस शक्ति के बारे में ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ आप पीछे छोड़ देंगे तभी आप आगे आ पाएंगे। सब शून्य कीजिए और उसके बाद समाधि कीजिए तो परमधाम में आपका स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद।